हाय फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र, सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए खान सर के द्वारा जो पुस्तक निकाली गई है बिहार दुर्गा स्पेशल, उसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 10 में से हम 2 का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा चुके हैं। जो कि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप जाके प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। आज हम टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप देख पाएँ। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यह जो टेस्ट सीरीज है वह बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं या बिहार सिपाही भर्ती का तैयारी करते हैं, ये दोनों के लिए लाभदायक साबित होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो पूर्णतः जो नए पैटर्न है बिहार का एग्जाम का, उसका देखते हुए तैयार किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताया जाए वो आप एग्जाम में बना पाएँ। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज टेस्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, टर्डीग्रेड किससे संबंधित है। आपको बताना है कि टर्डीग्रेड जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है चंद्रमा पर इजरायली मिशन से है। ये जो इजरायल का एक मिशन था जो कि चंद्रमा पर टर्डीग्रेड के नाम से भेजा था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया है टर्डीग्रेड। टर्डीग्रेड क्या होता है? तो टर्डीग्रेड को पानी के भालू के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगी टर्डीग्रेड कैसा जानवर है, तो यह क्या है, तो यह एक जानवर है, लेकिन यही एक क्या है, तो इजरायली द्वारा चंद्रमा पर इस नाम से एक मिशन भेजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रीट द्वीप अवस्थित है। आपको बताना है कि क्रीट द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है। तो क्रीट द्वीप जो है यह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो भूमध्य सागर में स्थित है, तो यह ग्रीक द्वीपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है। याद रखिएगा, क्रीट द्वीप कैसा है, तो यह ग्रीक द्वीपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है, जो कि यह कहाँ स्थित है, तो यह भूमध्य सागर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट सीनाबुक ज्वालामुखी सक्रियता के लक्षण के कारण चर्चा में रहा। यह ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है। आपको बताना है कि माउंट सीनाबुक ज्वालामुखी जो सक्रियता लक्षण है वह चर्चा में रहा है हाल ही में, तो वह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यह स्थित है इंडोनेशिया में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। आपको बताना है कि छात्र उद्यमिता कार्यक्रम जो है वह किसने लॉन्च किया है। ये जो लॉन्च किए हैं, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ जान लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके स्थान पर हुआ था? तो नीति आयोग की स्थापना जो है यह योजना आयोग के जो पंचवर्षीय योजना कुल 12 चली थी उसको समाप्त करके जो भारत सरकार है वो नीति आयोग जारी किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघालय की मौसमई गुफा में जियोरिसा मौसमईसिस नामक प्रजाति की खोज की गई। यह निम्न में से किससे संबंधित है। बताना है कि यह जो प्रजाति पाई गई है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है सूक्ष्म घेघों की प्रजाति है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। पूछ देगा कि हाल ही में सूक्ष्म घेघों की प्रजाति कहाँ पाई गई है। यह जो पाई गई है मेघालय में पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान की फसल का ब्लास्ट रोग किस फंगस के कारण होता है। आपको बताना है कि जो धान के फसल जो होता है ब्लास्ट रोग जिसे कहते हैं वो उसके कारण होता है, तो फंगस के कारण होता है। उस फंगस का नाम क्या है? तो उस फंगस का नाम हो जाएगा मैग्नाफोर्थ ओरिजा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। या फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, धान का जो फसल है ब्लास्ट रोग यह एक फंगस के कारण होता है, तो वह फंगस कौन सा है? तो वह फंगस है मैग्नाफोर्थ ओरिज। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य 6000 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपको बताना है मत्स्य 6000 जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका संबंध जो है यह मानव युक्त पनडुब्बी से है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आगम खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों का शिष्टमंडल ने प्रार्थना किए थे। तो यह जो प्रार्थना किसके लिए किए थे, यह प्रार्थना किए थे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह देख लेते हैं कि आगम खां नेतृत्व लॉर्ड मिंटो से कब किए थे। तो यह किए थे 1 अक्टूबर 1906 को। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ने तत्कालिक वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले थे। तो इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो बताना है आपको किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो यह जो कारण था स्वदेशी आंदोलन था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह स्वदेशी आंदोलन जो था शुरुआत कहाँ से हुआ था,
तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्वदेशी आंदोलन जो है किसके परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था। यह जो शुरुआत हुआ था बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ था, जो कब हुआ था तो 1905 में हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, कब हुआ था तो 1905 में। इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। बताना है कि कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का जिसमें कांग्रेस दो भाग में बट गई, नरम दल और गरम दल में। यह जो अधिवेशन था यह हुआ था सूरत अधिवेशन। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह अधिवेशन कब हुआ था तो 1907 में हुआ था। याद रखिएगा, क्वेश्चन 1907 में सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बट गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किस अधिनियम के आधार बनी थी। तो यह जो आधार बनी यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के बनी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार के श्रेय जाता है। बताना है आपको कि समाजवादी विचारधारा का प्रसार बिहार में किसे जाता है। तो देख लेते हैं इसमें किसमें जाता है। तो पहला दिया गया अच्युत पटवर्धन को, जो कि सही है। अगला यूसुफ मोहर अली, ये भी सही है। अगला अशोक मेहता को, ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो समाजवादी विचारधारा का प्रसार जो था इसमें प्रमुख सदस्य कौन थे, तो प्रमुख सदस्य जो थे जयप्रकाश नारायण थे। याद रखिएगा, ये भी जयप्रकाश नारायण भी समाजवादी विचारधारा के प्रसार से जुड़े हुए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किए थे। बताना है आपको कि प्रथम भारतीय जिन्होंने कौन थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल के पद ग्रहण किए थे। यह जो पद ग्रहण किए थे वो थे सी राम गोपालचारी। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसमें बताना है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन था जो 1932 में हुआ था। तो यह जो हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन थे। बताना है आपको कि इंडियन एसोसिएशन जो कि भारतीय संघ थी इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह स्थापना कब किए थे, तो इसका स्थापना किए थे 1876 में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1876 में किसने किए थे, तो ये किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। और क्वेश्चन इसका ये भी पूछ देता है कि इसकी स्थापना कहाँ किए थे, तो ये किए थे कोलकाता में। याद रखिएगा, कोलकाता में 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल डायर को लंदन में किस व्यक्ति ने गोली मारी थी। बताना है आपको कि जनरल डायर जो थे उन्हें लंदन में जाकर कौन व्यक्ति थे जिन्होंने उनको गोली मार दिए थे। तो ये जो मारे थे उधम सिंह थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी में नहीं थे। इसमें बताना है कि नरमपंथी में इनमें से कौन नहीं थे। तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं थे। पहला एक बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर जो तिलक थे ये नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये बाल गंगाधर तिलक जो थे यह गरम दल के नेता थे। बाकी अगला दिया गया आर सी दत्त, ये नरम दल के नेता थे। डब्ल्यू सी बनर्जी, ये भी नरम दल के थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी नरम दल के थे। लेकिन गरम दल के कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम वन्य जीव के संरक्षण प्रदान करता है। इसमें बताना है कि कौन सा अधिनियम है जो वन्य जीव संरक्षण प्रदान करता है। यह जो हो जाएगा इसका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो लागू हुआ था, जो कि 9 सितंबर 1972 से लागू है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। यहाँ जो राज्य दिया गया इसमें विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो आगे इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से किसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसमें पहला जो दिया गया अरुणाचल प्रदेश, जिसमें पाया जाता है। अगला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है। अगला मिजोरम, मिजोरम में भी पाया जाता है। अंडमान निकोबार, इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया उपयुक्त राज्यों में से किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा एक और तीन। तो इसमें एक और तीन तो दिया नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ जो युग्म दिया गया उस पर विचार करना है।
देख लेते हैं क्या दिया गया। पहला दिया गया कार्डेमम इलायची पहाड़ी या कोरोमंडल तट, जो कि गलत दिया गया। कार्डेमम पहाड़ी जो है यह केरल में, और कोरोमंडल तट जो पड़ता है यह तमिलनाडु के तट में पड़ता है या आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है, यह जो हो जाएगा गलत है। अगला दिया गया कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी जो है यह कोंकण तट दिया गया, जो कि गलत दिया गया। यह कोंकण तट पर नहीं है जबकि यह बिहार और मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यह भी गलत है। अगला दिया गया महादेव की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश, जो कि गलत है। मध्य भारत दिया है, यह मध्य प्रदेश में पाई जाती है जो कि मध्य भारत में आता है। अगला है मिकिर की पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में यह मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है, ये भी सही है। तो इसमें 3 और 4 सही है। तो बताना है युग्म में से सही सुमिलित है, इसमें बताना है कि सही कौन सा सुमिलित है। तो यह ऑप्शन में 3 और 4 दिया गया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 3 और 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है बिहार में फसल संघनन होता है, बताना है कि बिहार में फसल सघनता क्या है। तो बिहार में फसल संघनता जो है ये 1.43% है, इसका आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 21 में किस राज्य में मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो यह जो घोषणा की गई है यह उत्तर प्रदेश में किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वार्ट्जाइट कैंत्रिक होता है, बताना है आपको क्वार्ट्जाइट जो है किसका कैंत्रिक होता है। यह जो होता है वह बलुआ पत्थर से होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। पहला दिया गया चांगला जम्मू कश्मीर, जो कि सही है। अगला है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। अगला है बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। अगला है सेला उत्तराखंड, जो कि गलत दिया गया। ये सेला कहाँ है, तो सेला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका जो गलत दिया गया ये डी नंबर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं चांगला कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। सेला कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कजाकिस्तान की नई राजधानी कौन सी, बताना है कि कजाकिस्तान की राजधानी कौन बनी है। तो ये हो जाएगा नूर सुल्तान, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब भी डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। इस चैनल पर बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, इसका तैयारी कराया जाता है। आइए देखते हैं इसका 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नागरिकता के अर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। इसमें पहला दिया गया प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में स्वतंत्रता के समय या उसके पश्चात जन्म हुआ है वह भारत का नागरिक है, जो कि ये सही है। अगला दिया गया कोई व्यक्ति जो भारत बाहर 26 जनवरी 1950 को था, उसके पश्चात जन्म था, जन्म से ही भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता या कोई एक जन्म के समय भारत का नागरिक था, यह भी सही है। अगला यदि कोई नया क्षेत्र भारत का भाग बन जाता है तो वहाँ के निवासी स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे, यह भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन है भारत के संसद सामूहिक विशेष अधिकार है, इसमें बताना है कि भारत का संसद जो है सामूहिक विशेष अधिकार क्या होगा। तो देख लेते हैं पहला दिया गया संसद की कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, जो कि यह अधिकार नहीं है। अगला संसद के बाहरी व्यक्तियों का अपवर्जित करने का अधिकार, जो कि यह बाहरी व्यक्तियों का अपवर्जित करने का भी अधिकार नहीं है। इसमें अगला दिया गया आंतरिक विषयों को विनियमित करने का अधिकार, यह जो अधिकार है। अगला दिया गया विशेष अधिकार भंग के लिए अपने सदस्यों को दंड देने का अधिकार, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि प्रतिवर्ष साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का सही पदानुक्रम कौन सा है, इसमें बताना है कि सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो सही क्रम हो जाएगा वह हो जाएगा डी नंबर, इसका 1, 3, 2, 4 हो जाएगा। सबसे पहले आएंगे लोकसभा के अध्यक्ष, उसके बाद अगर वो नहीं रहते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष आएंगे, अगर वो नहीं रहते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, अगर वो भी नहीं रहते हैं तो सदन द्वारा कोई तय की गई व्यक्ति रहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं शून्यकाल में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ कथन जो दिया गया उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं क्या कथन दिया गया। पहला दिया गया इसका उल्लेख संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही के नियमों में है, जो कि ये गलत है। अगला दिया गया इस काल के दौरान कोई विषय उठाने के लिए पूर्व सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि आवश्यकता होती है, तो यह गलत है। अगला है यह समय
संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, जो कि यह सही है। अगला दिया गया, यह संसद के दोनों सदन में प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है, जो कि ये गलत है। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया। तो कथन दिया गया, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, इसमें सही चूज करना है। तो इसमें केवल तीन हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला कौन क्वेश्चन है, कौन सा देश 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह जो विश्व का पहला देश बना है वह है क्यूबा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न कथनों पे कौन से कथन सही है, इसमें बताना है कौन सा कथन जो दिया गया है वो सही है। तो देख लेते हैं क्या कथन दिया गया है। यहाँ कथन दिया गया कि निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों को मिलाकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा, जो कि ये सही है। अगला दिया गया कि संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन संबंधी उपबंध दिया गया है, ये भी सही है। अगला है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। अगला दिया गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्विष्ट मूल कर्तव्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है कि मूल कर्तव्य रिट अधिकारित के माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है, मूल कर्तव्य संविधान के अंगीकरण के समय इसका भाग था, जो कि गलत है। अगला दिया गया, मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के संतुतियों के अनुसार संविधान का भाग बना, जो कि ये सही है। ये संतुति जब कब हुआ था, तो यह हुआ था 1976 में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वयस्क मताधिकार का आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, यह किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया। यह जो संशोधन किया गया था, यह 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में 1976 में 42वें संशोधन के तहत कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन सा शब्द है जो जोड़ा गया था। तो इसमें जो जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता ये भी जोड़ा गया था, लोकतांत्रिक जो था ये पहले से था, तो ये जो नहीं जोड़ा गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डी जो था नहीं जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो है, बताना है कि किलिमंजारो क्या है। किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, इसमें बताना है कि महाद्वीपीय क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है वो अफ्रीका है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसमें जो दिया गया उसमें सबसे बड़ा जो है अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसार का छत किसे कहा जाता है, बताना है आपको कि संसार का छत्र किसे कहा जाता है। तो संसार का छत्र कहा जाता है वो म्यांमार को कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है, बताना है कि विश्व में सबसे ऊंची चोटी जो है वो किस प्रकार की पर्वत में पाई जाती है। यह जो पाई जाती है नवीन मुड़दार पर्वत में पाई जाती है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसमें बताना है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसमें से कौन सी है। तो हिमालय जो सबसे ऊंची पर्वत है, बाकी यहाँ एंडीज दिया गया, एंडीज जो है यह सबसे लंबी पर्वत है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह एंडीज पर्वत कहाँ है, तो यह दक्षिण अमेरिका के पर्वतमाला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पश्चिम की ओर स्थित है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनाइन जो यूरोप में है, अल्पेशियन जो अमेरिका में है, और अरावली जो भारत में उदाहरण है, यह जो उदाहरण किसका है, तो यह पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं का उदाहरण है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है, बताना है आपको कि दक्षिण अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय के पास में घास के मैदान जो पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है पंपास के नाम से, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को नखलिस्तान कहा जाता है, आपको बताना है कि नखलिस्तान के स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जाना जाता है। यह जो जाना जाता है मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा तत्व वैदिक सभ्यता में नहीं पाया जाता है, आपको बताना है कि कौन सा तत्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो वैदिक सभ्यता में नहीं पाया गया। यह जो तत्व था वह विकसित शहरी जीवन की सुविधा है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह विकसित शहरी नहीं था,
या वैदिक सभ्यता जो था यह एक ग्रामीण सभ्यता था, जबकि ये सिंधु सभ्यता विकसित सभ्यता था। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की प्रमुख मानव निर्मित झील जो कि गिरनार के निर्माण तथा मरम्मत में कौन से संबंधित नहीं थे। इसमें बताना है कि कौन संबंधित नहीं थे, तो देख लेते हैं इसमें कौन संबंधित नहीं थे। तो पहला दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित है, रुद्रदामन ये भी थे, फिर अशोक ये भी थे, समुद्रगुप्त जो थे ये संबंधित नहीं थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई लास्ट का संबंध किससे है। बताना है कि ई लास्ट का संबंध किससे है। इसका संबंध जो है शिक्षा विभाग से है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला बायो डीजल रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया गया। आपको बताना है कि उत्तर भारत में पहला बायो रिफाइनरी जो है वह कहाँ बनाया गया है। तो ये जो बनाया गया वो पटना में बनाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। तो बताना है आपको कि ब्राइट स्टार अभ्यास जो हुआ था वह किस देश के सैन्य अभ्यास है। यह जो सैन्य अभ्यास है यह हो जाएगा मिस्र का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस शहर में हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जा रहा है। यह जो बनाया जा रहा है देख लेते हैं, पहला दिया गया राजगीर जो बनाया जा रहा है, उसके बाद है बोधगया, बोधगया में बनाया जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विक्रमशिला नहीं बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए और सी जो किसमें है, तो इसमें जो उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है, यह जो बिजली उत्पन्न करता है तो यह विखंडन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, ये गलत है। आगे क्वेश्चन है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। यह सौर विकिरण जो है यह दिखता है 400 से 700 नैनोमीटर में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोखरण द्वितीय प्रशिक्षण कब किया गया था। आपको बताना है कि पोखरण द्वितीय जो प्रशिक्षण हुआ था वह कब हुआ था। तो इसका प्रशिक्षण जो हुआ था यह हुआ था 11 मई 1998 को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पोखरण प्रथम की कब हुआ था, यह जो हुआ था 1974 में, मई 1974 में हुआ था। तो इसका नामकरण क्या था, प्रथम का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि द्वितीय का क्या नाम था, तो ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति द्वितीय का नाम जो कि 98 में हुआ था, प्रथम हुआ था 1974 में, जिसको स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। आपको बताना है कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। यह प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार का आविष्कारक कौन था। आपको बताना है कि रडार का आविष्कार किसने किया था। यह रडार के आविष्कार किए थे रॉबर्ट वाटसन ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। यह जो लेंस लगा होता है उसमें वो उत्तल लेंस लगा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा पी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। आपको बताना है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो दिया गया था वह किस कार्य के लिए दिया गया था। यह जो कार्य था उनका प्रकाश विद्युत प्रभाव था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीतल निम्न में से मिश्र धातु है। आपको बताना है कि पीतल जो है किसका मिश्र धातु है। तो पीतल जो मिश्र धातु है वह तांबा और जस्ता का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिकीय का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें। तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा। तो पहला देगा न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटोनों की संख्या भिन्न होती है, गलत दिया गया है। अगला दिया गया प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जो कि गलत दिया गया है। अगला प्रोटोनों की संख्या समान होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, जो कि सही दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। इसमें बताना है कि भौतिक परिवर्तन का इसमें क्या उदाहरण है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, जो कि ये रासायनिक परिवर्तन है, तो ये उदाहरण भौतिक परिवर्तन का नहीं है। अगला है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना जो है यह रासायनिक प्रक्रिया, यही दिया रहता है मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना जो होता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, मोमबत्ती का जलना दिया गया, तो ये गलत दिया गया है। अगला दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक प्रक्रिया है, तो ये भी नहीं होगा। अगला बर्फ का बनना या पिघलना, ये जो है यह भौतिक परिवर्तन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। इसमें बताना है कि इनमें से किसका ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसमें जो होता है बीटा कण का ऋणात्मक आवेश होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, बताना है आपको कि क्रोमेटोग्राफी जो है किसके लिए यह तकनीक प्रयोग होता है। यह जो तकनीक प्रयोग होता है वह एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, बताना है आपको कि साबुन बनाने में कौन सा पदार्थ जो है प्रयोग होता है। तो यह होता है वनस्पति तेल। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता थे, बताना है आपको कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें असम में कौन नेता थे। तो उसमें असम के नेता थे दीवाने मनी राम दत्त। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, आपको बताना है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। यह जो मनाया जाता है यह 5 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यह कब मनाया गया था पहली बार, तो यह पहली बार जो मनाया गया था 2020 में मनाया गया था। याद रखिएगा 5 मई 2020 को पहली बार मनाया गया था, उस समय से अब विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जा रहा है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो मनाया जाता है यह 1 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जो है मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 22 अप्रैल 1970 से यह मनाया जा रहा है। क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 1970 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी है, तो यह जो उड़ान भरी है यह है इंजेन्यूटी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन बनी है, तो ये जो पहली महिला जो बनी है यह है प्रियंका मंगेश मोहित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका हम आंसर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। 70 नंबर का आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, 71 नंबर का आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, लेकिन इसका सही आंसर जो हो जाएगा 965 हो जाएगा, 965 इसका नोट कर लीजिएगा, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 72 नंबर, क्या आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, 73 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, 74 का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, क्वेश्चन है एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है, तो एचआईवी द्वारा होने वाला रोग जो है एड्स है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, इसमें बताना है कि विषाणु के कारण होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। तो इसमें जो दिया गया है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग जो है वह चेचक है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, यह जो कहलाता है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है, बताना है कि बिहार केसरी किन्हें कहा जाता है। यह जो बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ये श्री कृष्ण सिंह जो थे यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अखंड बिहार का अगर मुख्यमंत्री कहा जाए तो प्रथम यह श्री कृष्ण सिंह ही थे। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यह कब से कब बने थे, तो 1946 से 1961 के बीच में यह मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है, बताना है आपको झारखंड कितना हिस्सा लेकर बना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 38.40% जो कि गलत है। अगला है 54.85% ये भी गलत है। अगला है 42.85% ये भी गलत है। एग्जैक्ट में जो लेके बना था वो 45.85 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 42.85% हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जीवों में से कौन से उत्तर पूर्व भारत के लिए स्थानिक है, यहाँ बताना है कि कौन उत्तर भारत के लिए स्थानिक है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया नाम दफा उड़ने वाली गिलहरी, जो कि यही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान परिषद में पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? यह जो उद्घाटन किए थे यह डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस INS से ब्रह्मोस मिसाइल के समुद्र से समुद्र संस्करण का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है? यह जो प्रशिक्षण किया है यह किया है INS विशाखापट्टनम में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और UK मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया मुक्त व्यापार समझौता का मुख्य उद्देश्य 2030 तक भारत और इंग्लैंड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना था, जो कि सही है। अगला है, मुक्त व्यापार वार्ता का पहला दौर 17 जनवरी से शुरू हुआ, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित ईंधन एवं संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त किया है? यह जो सहमति व्यक्त किया है यह डेनमार्क के साथ किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस शहर में खोला गया है? यह जो खोला गया है यह गुरुग्राम में खोला गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाले पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? यह जो बना है जम्मू और कश्मीर बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी इंडियाज मोस्ट लाउड प्राइम मिनिस्टर पुस्तक द्वारा लिखी गई है? यह जो पुस्तक लिखी गई है यह सागरिका घोष द्वारा लिखी गई है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ 3 द्वीपियों पर हाईब्रिड पावर प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? यह जो किया है श्रीलंका के साथ किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन के लेखक कौन है? आपको बताना है कि लीडर पॉलिटिशियन और सिटीजन्स के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं रशीद कदवाई। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवार्ड द्वारा माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह जो शुरू किया गया लेह में शुरू किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किर्गिस्तान में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? यह जो पदक जीता है यह कांस्य पदक जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया है? यह जो अनावरण किया गया है वह श्रीनगर में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय नौसेना को देश का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत सौंपा है? यह जो सौंपा है यह कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड सौंपा है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल एन ग्राम डॉस्टन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह जो अवार्ड दिया गया दलाई लामा को दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? तो यह जो बनाया गया है यह चिनाब नदी पर बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है असम ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? यह रखा गया चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेहरान में 14वां एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? यह जो कांस्य पदक जीता है कोरिया को हराकर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का प्रशिक्षण किया है? यह जो प्रशिक्षण किया है वह DRDO द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस Formula 1 रेसिंग ड्राइवर ने बेल्जियम F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है? यह जो जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन ने जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।